हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 20 रुपए प्रति लोटा बिक्री लू के लिए रामबाण औषधि। भीषण गर्मी के बावजूद इस बार थार में कैर व सांगरी के बाद अब जाड़ों पर पीलू की बहार आई हुई है। चंदन मामणिया ने बताया कि पीलू को मारवाड़ी अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। जाड़ वृक्ष जसाई व आसपास के गांवों में रोजाना सुबह बच्चे, युवा व महिलाएं पीलू के लिए जाते हैं। दिन में 3 से 4 घंटे तक पीलू को छबड़ी में एकत्रित किया जाता है। पीलू इकट्ठे करने के लिए जाड़ के पेड़ पर चढ़कर काफी मशक्कत करनी पड़ती। कमर या गले में पतली रस्सी से लोटा बांधकर एक एक करके पीलू बिनकर लोटा भरते हैं। घंटों की मेहनत के बाद छबड़ी व चरूड़ी में पीलू भरा जाता है। चंदन बामणिया ने बताया कि पीलू का बीज खारा होता है, लेकिन इसके ऊपर रस का आवरण होता है जो बहुत ही मीठा होता है व स्वादिष्ट होता है। इन्हें एक साथ मुट्ठी भरकर खाया जा सकता है, क्योंकि एक एक पीलू खाने से मुंह में छाले हो जाते हैं। चंदन बामणिया ने बताया कि पीलू खाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। ग्रामीण लोग पीलू सुखाकर कोकड़ बनाते हैं और 12 माह औषधि को रूप में रखते हैं। कोकड़ गर्मी, लू, हैजा व कब्ज से बचाव के रामबाण औषधि है। इस बार पीलू आवक के चलते जसाई मारूड़ी हाथमा सियाणी के धोरों में अल सवेरे ही ग्रामीण जानों पर पीलू एकत्रित करते नजर आते हैं। यह बाजार में 20 रुपए प्रति लोटा के हिसाब से बिक रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।